हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। चलिए, जो लाइव क्लास है ये आपकी है BHIC 104 की, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मध्यकालीन विश्व की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पैटर्न को हम देख लेते हैं। तो देखिए, कल इसका एग्जाम ही है आपका, तो अब यहाँ पर जो है समझाने का टाइम तो नहीं है कि उसको डिस्क्राइब करूँ, उसको बहुत अच्छे से आपको समझाऊं। हाँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता सकती हूँ, यदि आपने पहले से तैयार कर ही रखा होगा तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको आप देख लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए आइए फिर शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, वीडियो शेयर कर दें, वीडियो शेयरिंग का भी काम हो गया है, बहुत सारे मैसेज आप लोग के लिए पड़े हैं, बाद में देखूंगी, पहले चलिए इसको देख लेते हैं। मध्यकालीन विश्व की आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, चलिए आ रही है। तो मध्यकालीन विश्व की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पैटर्न देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हमारे लिए हो सकता है। तो इसमें आपके 16 ब्लॉक हैं, और सॉरी 16 यूनिट है, और यदि ब्लॉक की बात करते हैं तो 4 ब्लॉक है। फर्स्ट में रोमन गणतंत्र, सेकंड में यूरोप में सामंतवाद, धर्म अर्थव्यवस्था, और फोर्थ में मध्य इस्लामिक जगत के समाज देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे रोमन गणतंत्र को, रोमन रिपब्लिक को ले लेते हैं, ठीक है? और इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्रिएट होंगे उसको हम देख लेते हैं। तो रोमन साम्राज्य, राजनीतिक व्यवस्था, ये फर्स्ट आपका ब्लॉक, फर्स्ट यूनिट है, तो 100% इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है ना। तो अगर देखिए रोमन का प्रारंभिक इतिहास जो है वो क्या है, तो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, एक बिखरा हुआ सा आप इतिहास देख सकते हो, इसके पर्याप्त इतिहास भी है, जो किंवदंतियां, जो कहानियां इनके बारे में कही गई हैं उन्हीं से पता चलता है, ठीक है ना। तो अगर आरंभिक रोमन को देखा जाए तो एक पशुपालक समुदाय के ये लोग थे, पशु करते थे, पशुपालक बनी पशु को पालते थे, और जो उनके जानवर हुआ करते थे, सुअर हो गया, बकरी, भेड़ वगैरह होते थे, इनको जनरली ये पाला करते थे, और बिखरे हुए गांवों में यानी अलग अलग जगहों में रहा करते थे, और वह हिंद यूरोपीय भाषा बोला करते थे, ठीक है ना। और जिसे प्रोटो लैटिन भी कहा जाता है, किसे? हिंद यूरोपीय भाषा, जिसे प्रोटो लैटिन भी कहा जाता है। और यह पूरी संस्कृति एक पूर्व नगरी चरण में प्रासंगिक की जा सकती है, यानी नगरी चरण में रहा करती थी, यानी पूर्व नगरी चरण के पहले के लिए। तो अगर थोड़ा सा रोमन का प्रारंभिक इतिहास यहाँ पे हमने देख लिया, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर देखे तो इस समय इटली में सबसे शक्तिशाली लोग एस्ट्रोक्शन जो थे वो यहाँ पर रहा करते थे, और रोम पर करीब 100 साल से ज्यादा इन्होंने शासन किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन ये उठ सकता हो सकता है कि अगर टिप्पणी में एस्ट्रोक्शन के बारे में पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर सॉरी एट्रुक्सन है, एट्रुक्सन की उच्च सभ्यता से संपर्क में आने पर रोम को भी एक प्रेरणा मिल गई थी, और रोम के आरंभिक घटनाक्रम पर यानी जो एक एट्रुक्सन जो है उसका यहाँ पे प्रभाव इफेक्ट देखा गया था, और जो एट्रुक्सन है उसमें शासन ने शहरीकरण को स्टार्ट किया था, और रोम में भी पहली बार व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोमन गणतंत्र की स्थापना और सैन्य विस्तार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि रोमन गणतंत्र या रोमन रिपब्लिक, गणतंत्र रिपब्लिक एक ही है, हिंदी इंग्लिश का फर्क है तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए दो चरणों में इसका जो है अध्ययन किया जाएगा, रोमन गणतंत्र की स्थापना और सैन्य विस्तार का। पहला जो चरण है वो आरंभिक शुद्धिकरण का समय था, यानी मजबूत करने का समय था, और दूसरे चरण में रोमन ने भूमध्य सागर के पार अपनी शक्ति को और भी सुदृढ़ यानी मजबूत कर लिया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर रोमन गणतंत्र की स्थापना और सैन्य शक्ति से बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला चरण अगर देखा जाए, क्वेश्चन दोनों तरह से पूछ सकता है कि रोमन के विस्तार को पहले चरण को बताइए, या फिर रोमन के विस्तार के दूसरे चरण को बताइए। तो पहले चरण में आरंभिक शुद्धिकरण यानी आरंभिक मजबूती होगा, और दूसरे चरण में यहाँ पे भूमध्य सागर के पार अपनी शक्ति को उन्होंने विस्तार यानी अपने राज्य का विस्तार किया था दूसरे चरण में। तो विजय का यहाँ पर देखिए पहला चरण देखने को आएगा, विजय का दूसरा चरण यहाँ पर देखने को आएगा। विजय का दूसरा चरण यही होता है जो रोम भूमध्य सागरी जगत की विजेता बनने के लिए निकल पड़े थे, और तीसरी शताब्दी 20वीं के मध्य तक रोमन गणतंत्र ने प्यूनिक युद्ध के नाम से पहचाने जाने लगे थे, और जो सैन्य अभियान इनका होता था उसकी श्रृंखला इन्होंने आरंभ कर दी थी, और युद्ध कार्थेज के युद्ध लड़े गए थे जो आधुनिक ट्यूनिशिया से
फोनेशियनों तक स्थापित थे। तो अगर यहाँ पर हालांकि इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आता है तो आप थोड़ा बहुत कुछ लिख लो, इसलिए आपको यहाँ पे बता रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये आपका है कि रोमन गणराज्य की गणतंत्र की या रिपब्लिक की राजनीतिक संरचना क्या है, ये पहला क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे देखिए बन जाता है, देखिए राजनीतिक संरचना के अंतर्गत ही आता है, लेकिन क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है ना। तो दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोमन गणतंत्र के तीन मुख्य घटक कौन थे, रोमन गणतंत्र से आप क्या समझते हैं, रोमन रिपब्लिक से आप क्या समझते हैं, और इसके तीन मुख्य घटक बताइए। तो देखिए राजनीतिक संरचना के अंतर्गत भी यही लिखोगे आप, और यदि इसका घटक पूछता तो यही लिखेंगे, सीनेट, मैजिस्ट्रेट और आम जनता, ठीक है। और गणतंत्र राज के शीर्ष पर दो काउंसिल हुआ करते थे और जिनकी सहायता के लिए बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो जो एक मेन क्वेश्चन तैयार होता है वो आपका हो जाता है रोमन गणतंत्र की राजनीतिक संरचना, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इसके घटक, तो सीनेट क्या होता है, अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर सीनेट जो होता है गणतंत्र पर सीनेट का प्रभुत्व हुआ करता था, और यहाँ पर जो कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग, भूपति वर्ग जो हुए करते थे इन्हीं तक की सीमित होता था सीनेट, और सीनेट की जो सदस्यता ले रहा था वो जीवन भर के लिए यहाँ पर सहचयनात्मक, यानी मूल सदस्य के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का चयन कर सकता था, तो जीवन भर के लिए सदस्यता हो जाती थी। तो इस प्रकार सीनेट पर भूपति और अभिजात वर्ग की सभा होती थी और जिसकी सत्ता असीमित हुआ करती थी, और सीनेट की सर्वोच्च निरंतर बढ़ती शक्ति, उसकी कानून बनाने, मजिस्ट्रेटों की शक्ति पर अंकुश रखने, विदेशी मामलों पर नियंत्रण करने की योग्यता पर निर्भर होती थी। हो सकता है कि एज ए टिप्पणी में सीनेट से भी क्वेश्चन पूछ ले। फिर मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, ठीक है ना, दूसरा इसमें आ गया मजिस्ट्रेट, इसको देख लेते हैं। तो देखिए प्रत्येक वर्ष जनता द्वारा गणतंत्र के सर्वोच्च अधिकारियों का चयन किया जाता था हर साल, और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण दो काउंसिल हुआ करते थे, एक जो सीनेट की अध्यक्षता करते थे और कार्यकारिणी शयन, और जिनमें न्यायिक शयन, यानी कि जो सीनेट की अध्यक्षता करते थे उन्हीं को का काम करने वाले लोग होते थे, और साथ में जो सैनिक होती थी और जो न्याय यानी कि कानून संबंधी शक्ति होती थी उन्हीं के पास हुआ करती थी, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट के पास। इसे और आप ज्यादा थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर जैसे काउंसिल के अलावा रोमन गणतंत्र में चुने हुए अन्य अनेक मजिस्ट्रेट काउंसिल हुआ करते थे, जिन्हें दंडाधिकारी कानून यानी जो दंड वगैरह दिया करते थे, कानून के प्रशासन का कार्य उनको सौंपा गया था। फिर तीसरे में जनता आ जाती है, ये हम पढ़ रहे हैं रोमन गणतंत्र या गणराज्य की राजनीतिक संरचना या फिर गणतंत्र के तीन मुख्य घटक। फिर तीसरे में जनता आ जाती है, तो देखिए जो विभिन्न सभाओं में जनता जो होती थी वो मजिस्ट्रेट का चुनाव करती थी, और स्वीकृत और अस्वीकृत विधेयक जो होते थे वो जो उनके सामने ने मजिस्ट्रेट के सामने रखे जाते थे, युद्ध और शांति के मामलों पर भी निर्णय किया करती थी, और सिद्धांत में देखा जाए तो संप्रभुता का सिद्धांत प्रजा के आदर में ही नीत हुआ करता था, लेकिन मजिस्ट्रेट के बुलाने पर वो मिल सकते थे, और उनके सामने जो मुद्दा रखा जाता था उस पर बिना किसी बहस के मत दिया करते थे। जनता का रोल यहाँ पे हो गया। फिर सभा आ जाती है, कमीशिया का अर्थ, सभा के अंतर्गत कमीशिया होती थी, कमीशिया का मतलब होता है जहां पर लोग एकत्र होते हैं, तो इस प्रकार रोमन सभाएं कमीशिया के नाम से जानी जाती थी, और जो मजिस्ट्रेट हुआ करता था समय समय पर महत्वपूर्ण मामलों में मतदान के लिए सभाओं को बुलाता था, ठीक है। अब कमीशिया को भी यहाँ पे बांट दिया है, कमीशिया क्यूरियाटा हो गया यहाँ पर, तो कमीशिया क्यूरियाटा सभी नागरिकों की सभा हुआ करती थी, और क्यूरियाटा शब्द रोमन नातेदारी पर आधारित था, नातेदारी यानी समाज से संबंधित होता था, ठीक है। तो इस संख्या में कुल 30 और तीन जनजातियां इसमें जनजातियों में बटी हुई थी, और प्रत्येक 10 में क्यूरियाई हुआ करते थे, ठीक है। तो क्यूरियाई के पास मसलों पर चर्चा करने का अधिकार नहीं होता था, सिर्फ उन्हें स्वीकार अस्वीकार कर सकती थी, बस हो गया। तो कमीशिया क्यूरियाटा हो गया, यहाँ पर निम्न वर्ग और अभिजात वर्ग भी हुआ करता था क्यूरियाई में, देख लीजिएगा कमीशिया क्यूरियाटा एज ए टिप्पणी में 10 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है, ओके। तो इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। चलिए फिर कमीशिया सेंचुरियाटा, आप देखिए क्यूरियाटा देखा, अब सेंचुरियाटा देख लेते हैं। तो कमीशिया सेंचुरियाटा जो होती थी क्यूरियाटा की तरह ही सभी नागरिकों की सभा करती थी, जिसमें अभिजात और निम्न वर्ग दोनों यानी दास और पेरेंग्निस जो होते थे, विदेशी महिलाएं और जो हुआ करती थी व्यक्तिगत कर के अधीन, उन सभी को यानी कि यहाँ पर दोनों वर्ग अभिजात और निम्न वर्ग सम्मिलित हुआ करते थे। अब यहाँ पर दास को महिलाएं और एइरारी जो हुआ करते थे उनको छोड़ करके सभी लोग शामिल होते थे, और ये लोग अलग अलग समूहों में बटे हुआ करते थे। तो इसको भी देख लीजिए, हो सकता है कि कमीन्सिया सेंचुरियाटा और कमीन्सिया क्यूरियाटा इन दोनों से संबंधित आपसे क्वेश्चन उसमें पूछ दे, ठीक है ना, ओके, कि क्या अंतर है इसमें। चलिए अब आगे देख लेते हैं,
ये राजनीतिक संरचना है आपकी, किसकी है? रोमन गणतंत्र, रोमन पब्लिक की। फिर कॉन्सुलेसिस प्लेलिफ प्लेसिव अथवा कमीसिया प्लेसिव ट्रिबन। तो अगर आप नाम याद रख सको तो आप इसे भी देख लो, ठीक है। इसमें भी निम्न वर्ग की विधानसभा होती थी और इसमें यहाँ पर निम्न वर्ग से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा होती थी और इसके द्वारा प्लेवियन एडेलियस सार्वजनिक इमारतों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हुआ करते थे। तो ये राजनीतिक संरचना है जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे, विभिन्न टकराव वाला, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का करवा दूंगी, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का हो जाएगा। कल इसका पेपर, इसलिए आज इसको देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे दिया है रोमन के आरंभिक इतिहास, सबसे शुरू में बताया था वो आरंभिक इतिहास है। अब देखिए 1510 से 2720 तक के रोमन के विस्तार के चरणों का, दो चरण थे बताया ना, जो भी बता के आए हैं। तो वो इसी तरह से क्वेश्चन बीच से रोमन की राजनीतिक संरचना 20 नंबर का क्वेश्चन आपके इसमें पूछा जा सकता है, जो भी जस्ट बता के आए हैं, यही कुछ क्वेश्चन होते। चलिए, ग्रैची बंधुओं के सुधार, तो यह चरण किसको के पतन और शयन विवादों के लिए चिन्हित है। अब देखिए क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में नहीं रखा था, पर हो सकता है क्योंकि ग्रैची बंधुओं के सुधार से क्वेश्चन ना पूछ करके पूछ सकता है कि रोमन गणतंत्र या रोमन रिपब्लिक के कृषकों के पतन और शयन विवाद के लिए। तो यहाँ पर फिर जो कृषक होते थे जिन्हें एसिडुई वर्ग का कहा जाता था, कृषकों का पतन कैसे हुआ, एक क्वेश्चन यहाँ पर रोमन गणतंत्र राज में कृषकों के पतन से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको आप देख लेना, पॉज करके वीडियो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कल के लिए बहुत सारे मेरे पास, सैनिकों में बढ़ता असंतोष ये पतन के मेन कारण है। पहला तो मतलब ग्रैची बंधुओं के सुधार, उन्होंने से क्या सुधार किए थे, और खास तौर पर कृषकों के पतन और शयन विवाद से संबंधित ये सुधार था। तो कृषकों के पतन और शयन के लिए क्या क्या सुधार किए गए थे रोमन गणतंत्र में, तो यहाँ पर देखिए सब कृषकों का जो वर्ग का पतन हो रहा था उसके लिए क्या सुधार किए गए, फिर सैनिकों में बढ़ता जो असंतोष था उसके लिए क्या सुधार किए गए, ठीक है ना। और बढ़ती अशांति में शहरी गरीब वर्ग की क्या भूमिका थी। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बीच में रख दिया। आप जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो ये आ रहा है आपका कि यहाँ पे ट्रायम्बिरेट, ये देख लीजिए क्या है, क्योंकि गणतंत्र की अंतिम शताब्दी और विजयी सैन्य कमांडो का उदय, यानी कि रोमन गणतंत्र में सैन्य कमांडरों का उदय कैसे हुआ, सैन्य कमांडरों का उदय कैसे हुआ रोमन गणतंत्र में, अगर ये आप देखोगे तो यहाँ पर आएगा। अच्छा, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, जब ये गणतंत्र चल रहा था रोमन गणतंत्र और अपने अंतिम यानी पतन की ओर था, तो जो यहाँ पे सिनेटोरियल कुलीन तंत्र था और जो आम जनता यहाँ की थी, इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष हुआ करते थे और अपने महत्वाकांक्षा के लिए कभी कभी एक दूसरे पक्ष के साथ होकर संघर्ष का लाभ भी उठा लेते थे, एक दूसरे के साथ मिल भी जाते थे। तो इस तरह से यहाँ पर तानाशाही एक तरह से जो है हो गया था, तानाशाही राज हो गया था, उसे तानाशाही रोमन गणतंत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ था ये, ठीक है ना। तो इसे देख लीजिएगा, यहाँ पर पहला ट्रायम्विरेट, ये एक अलग से क्वेश्चन अजय टिप्पणी के रूप में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ट्रायम्विरेट क्या था एक्चुअली, ये क्या था कि सूला जो था, देखिए यहाँ पे भी सूला का है, सूला की तानाशाही, ये सूला की तानाशाही रोमन गणतंत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ था। तो ये देखिए जो सूला था वो एक सफल सेनापति था, वही है सैन्य तानाशाही, सैनिकों का अधिकारी था, और सीनेट के पक्ष का समर्थन किया और सीनेट में उसने बहुत से सुधार किए थे। तो सीनेट की शक्तियों को मजबूत किया, लेकिन इन सुधारों ने ट्रिब्यून की शक्तियों को घटा दिया था और सीनेट की शक्तियां मजबूत हो गई थी। तो सेनापतियों ने उसके सुधारों को तुरंत नष्ट कर दिया, खासतौर पर पंपोई और क्रेसस में, ठीक है ना, राइट। और ये देखिए जब पंपोई और क्रेसियस के साथ मिलकर ट्रायम्विरेट बनाया, तो ये है आपका ट्रायम्विरेट, जो पंपोई और क्रेसस थे, इन्होंने 620 में एक निर्णायक पल तब आया जब पंपोई और क्रेसस ने जूलियस सीजर के साथ मिलकर ट्रायम्विरेट बनाया, ये है आपका ट्रायम्विरेट। और तीन पुरुषों की सत्ता रूढ़ समिति जिसे सेना जनता का समर्थन हासिल था, और इसके साथ जो सीनेट हम शुरू में पढ़ के आए राजनीतिक संरचना में, वो शक्तिहीन हो गई, कमजोर हो गई, और क्रेसस की मृत्यु के बाद दोनों सेनापतियों के बीच मतभेद पैदा हो गए और सीजर की सैनिक शक्तियां और सफलताओं से पेम्पई को खतरा महसूस होने लगा। तो उसने सीनेट का साथ दिया और सीजर एक प्रतिभाशाली सैनिक था जिसने गाल को विजय किया और प्रतिद्वंदियों को हराने में सफल रहा। तो ये है आपका पहला ट्रायम्विरेट, और देखिए ट्रायम्विरेट से क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये पहला भी था और दूसरा भी है, तो इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। ट्रायम्विरेट एज ए उसमें टिप्पणी में दे सकता है। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, आष्टन का युग आप चाहो तो देख सकते हो, मैंने इसको इंपॉर्टेंट में नहीं रखा है, ठीक है। उत्तर रोमन साम्राज्य में, हाँ
तीसरी शताब्दी में राजनीतिक अस्थिरता का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसे तैयार कर लेना, उत्तर रोमन साम्राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के बारे में, ठीक है, जाया तो मैं नहीं कहूंगी, राजनीतिक अस्थिरता के बारे में यहाँ पर पूछ सकता है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है रोमन गणतंत्र का भी, राजनीतिक संरचना देखें, रोमन गणतंत्र का पतन कैसे हुआ, ठीक है ना। तो पश्चिम में रोमन साम्राज्य का पतन जो था वो क्रमिक था, क्रम पे चल रहा था यहाँ पर, और खास तौर पर जर्मेनिक कमीलियाई समूह के लगातार हमलों ने इसको विध्वंस कर दिया था, नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं दिया हुआ है इसके बारे से, देखिए गणतंत्र के पतन और ऑस्टन सीजर के उदय के कारकों का करीबी है। ऑस्टन सीजर जो जस्ट अभी ऊपर देख के आए हैं, ऑस्टन सीजर हमने देखा था ना, ये सीजर वाला जो तीन पोम्पई और कौन लोग थे, तीन लोगों ने क्या किया था, अपने में संधि कर ली थी, है ना, वो वाला है। तो पतन को हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पतन का भी है। चलो रोमन साम्राज्य आर्थिक और सामाजिक संरचना, अब इसमें से क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहले रोमन जो गणतंत्र है या रोमन रिपब्लिक है उसकी अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, या रोमन गणतंत्र की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पूछ लेगा तब भी यही क्वेश्चन आंसर होगा। तो गणतंत्र के अधीन पहली अर्थव्यवस्था, क्योंकि रोमन देश साम्राज्य के इतिहास में संपत्ति का मुख्य स्रोत जो था भूमि हुआ करती थी, और बहुत ज्यादा भूमि थी तो वहां पर क्षेत्रों पर अनाजों की खेती की जाती थी, कृषि उत्पाद यहाँ पर पैदा किए जाते थे, खासतौर पर जैतून और मदुरा। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जैतून और मदिरा जो है यानी शराब बनाई जाती थी, लोग शराब पीते भी थे, तो जैतून और मदिरा से भी एक क्वेश्चन क्रिएट होगा, ठीक है, रोमन गणतंत्र में। चलिए अभी इसको देख लेते हैं, और यहाँ पर बनाने के लिए अंगूर की खेती की जाती थी, साथ ही भूम मवेशी भेड़ घोड़ों पालन आदि के लिए चारा गाय के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती थी। 12 टेबल यहाँ पर यानी कि 5वीं शताब्दी बीच में रोमन की विस्तृत कृषि जीवन शैली के बारे में संकेत देती है। तो अगर ये पूछा जाए अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था की विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता निकल के आती कृषि अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो कृषि रोमन गतिविधियों का मूल आधार था, और पशुपालन करने के बजाय कृषि और अंगूर की खेती पर अधिक सामान थे, लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, उत्पादक व्यापारियों कारीगरों के लिए शहर कभी भी मुख्य केंद्र नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो ये हो गया गणतंत्र के अधीन अर्थव्यवस्था, पहली विशेषता हो गई यानी अर्थव्यवस्था की प्रकृति में, और दूसरा यहाँ पर दास अर्थव्यवस्था हो गई, क्योंकि आरंभिक रोम में दास प्रथा मौजूद थी, और क्लासिकल काल जो था वो एक तरह से 2वीं शताब्दी तक था, बहुत बड़ी और बहुत विशाल प्रथा के रूप में उभर कर सामने आई थी। ये अन्य यहाँ पे श्रम प्रथाएं भी थी, पट्टेदार, निर्भय पट्टेदार, शहरी कारीगर, कुछ श्रम प्रथाएं भी यहाँ पर देखने को मिलती है। पेरी एंडरसन के अनुसार दास प्रथा एक ऐसी आर्थिक लगान थी जिसके शहर और गांवों को एक साथ जोड़ा जाता था, और जो शासक वर्ग होता था ना वो बहुत लाभ कमाता था, और इटली की अर्थव्यवस्था पर पारंपरिक संरचना के रूप में भूमध्य सागर में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे, इन्हीं कारणों से लड़े गए थे, ठीक है। तो इसमें अगर अर्ध स्थली इटली की अर्थव्यवस्था परिवर्तन में दो महत्वपूर्ण पहलू देखे जाते हैं, पहला रोमन कुलीन वर्ग की संपत्ति में वृद्धि, और दूसरा दास प्रथा में भारी वृद्धि। तो इटली की अर्थव्यवस्था परिवर्तन, या साथ में इटली छोड़ो रोमन गणतंत्र की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, तो रोमन अर्थव्यवस्था की परिवर्तन में कुलीन, रोमन कुलीन वर्ग की संपत्ति में वृद्धि हुई, धन संपदा में, और दास प्रथा में वृद्धि हुई। अब यहाँ पे इसको आप देख लेना, ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है ना। तो रोम यहाँ पर हॉकिंस अनुसार में रोमन में 7 प्रक्रियाओं ने दास प्रथा की वृद्धि को प्रभावित किया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है कि रोमन में या फिर रोम में या फिर रोमन गणतंत्र में दास प्रथा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, ठीक है ना। दास प्रथा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो पहला लगातार युद्ध था, दूसरा लूट का अंतःप्रवाह, तीसरा लूट की भूमि में निवेश, चौथा विस्तृत भू संपत्तियों का निर्माण, पांचवा किसानों की दरिद्रता, छठवां किसानों का शहरों तथा प्रांतों की ओर प्रवेश, सातवां शहरी बाजारों में वृद्धि। ये कारण थे जिसकी वजह से दास प्रथा में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। तो इसको आप देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है रोमन गणतंत्र के अधीन यानी रोमन गणतंत्र में अर्थव्यवस्था, ठीक है। यदि कृषि से आता है तब भी आप इसे बड़े आराम से लिख सकते हो, फिर उसी के अंतर्गत दास प्रथा आ गई। चलो फिर व्यापार और उद्योग आ जा रहा है, क्योंकि आप अर्थव्यवस्था देख रहे हो तो 100% व्यापार उद्योग तो आप देखोगे ही। तो यहाँ पर व्यापार उद्योग में एंथ्रेस और कार्थेज नाम के नगर राज्य थे, ठीक है, जहाँ पे व्यापार हुआ करता था, बाजार हुए करते थे, आवश्यकता की जो भी स्थानीय वस्तुएं होती थी, आवश्यकता के लिए जो भी उत्पादन संबंधित वस्तुएं होती थी, लोग यहाँ पर आते थे और व्यापार किया करते थे। और खास तौर पे यहाँ पर वस्तुएं समाज से समृद्ध वर्ग जो लोग, धनी वर्ग जो होते थे, उनकी विलासिता की वस्तुएं भी यहाँ पर हुआ करती थी, ठीक है ना। तो व्यापारियों को कोई खास सम्मान नहीं था, और समय के साथ इनमें बहुत अमीर बन गए, कुछ गरीब बन गए, और भूपति वर्ग ने उन्हें समान रूप से स्वीकार नहीं किया। तो यद्यपि मुद्रा प्रणाली प्रचलन में थी, लेन देन कांस्य में
में भार और माप के द्वारा किया जाता था। तो व्यापार और उद्योग देख लीजिए, ये भी अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। रोमन गणराज्य तंत्र में व्यापार और उद्योग को समझाइए, उसकी प्रकृति को समझाइए, है ना। तो ये देखिएगा, इसको आप पढ़िएगा, राइट। चलो, उत्पादन की दास पद्धति और संकट काल आप देख सकते हो। दास प्रथा इंपॉर्टेंट है, दास प्रथा को देख लीजिएगा, इसके कारण क्या है उत्पत्ति के, मैंने वो ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। ओके, चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं। आज राजनैतिक और आर्थिक संकट, तो अब दास प्रथा के पतन, अब दास प्रथा के हमने उत्पत्ति के कारण देखे थे, यहाँ पतन का कारण पूछ रहा है कि दास प्रथा के पतन के क्या कारण थे। तो आर्थिक और राजनीतिक संकट थे जिसकी वजह से दास प्रथा का पतन हो गया था, ठीक है। तो दो यहाँ पे कारण, यानी बर्बर आक्रमण ने आर्थिक स्थिति को बढ़ा दिया था, इसके कारण सेना में अमूल परिवर्तन, कुछ परिवर्तन किए गए थे, और यहाँ पर सैनिकों के वेतन बढ़ाने के लिए विवश किया गया, और साथ ही साथ में जो शासक हुआ करता था उसने बढ़ती कीमतों की बराबरी के लिए दोगुना कर दिया था कर, तो यहाँ पर 25% तक बढ़ा दिया था, और आय बढ़ाने के लिए शासकों के नए करों का सहारा लेना पड़ा था, सिक्कों में मिलावट की गई थी, सेना में पुरुषों को आकर्षित करने के लिए अनुशासन में ढील दी गई थी। तो ये कुछ चीजें थी, ठीक है ना, राइट, जिसने यहाँ पर किसके लिए दास प्रथा को बढ़ाने का पतन, दास प्रथा को पतन होने के लिए मेन कुछ कारण यहाँ पे थे। चलिए, अब यहाँ पे दास प्रथा का जब पतन हो गया तो कोलोनेट अर्थव्यवस्था का उदय हो गया। कोलोनेट यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर कॉलोनी, पट्टेधारी कृषक, ठीक है ना, कॉलोनी यानी पट्टेदारी जो कृषक हुआ करते थे उनको कहा जाता है यहाँ पर, तो देख लीजिए। चलो ये देखिए, रोमन में दास प्रथा को बढ़ावा देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए, और फिर साथ ही साथ में पतन के दो हमने आपको बताए हैं। ये है लैंड फांडिया को देख कर रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, रोमन साम्राज्य का विकास और समाज में परिवर्तन, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है कि रोमन साम्राज्य का विकास कैसे हुआ और साथ में रोमन साम्राज्य समाज में परिवर्तन कैसे हुआ, ठीक है ना। चलो, दास प्रथा और समाज, क्योंकि प्रिंसिपेट और उत्तर रोमन साम्राज्य काल में रोमन समाज स्त्रीकृत बना हुआ था, बटा हुआ था, और पिरामिड की तरह था। ऊपर कुछ सीनेटर लोग होते थे, फिर उससे छोटे कुलीन वर्ग आते थे, और अश्वारोही आते थे। पिरामिड के आधार पर दास प्रथा कायम थी, यानी ऐसे ये पिरामिड होता है ना, इस तरह का होता है। और दासों की कुछ श्रेणियां थी, बिलिकस, एक दास प्रबंधक, निरीक्षक, जो स्वयं दास था, जो भू स्वामी के अनुपस्थित में भूमि की देखरेख करता था, उनकी पत्नियां घरेलू कामों की निरीक्षक हुआ करती थी, है ना। तो ये दास प्रथा और समाज है। तो यहाँ पर देखिए, रोमन जगत में मुख्य रूप से तीन प्रकार के दास होते थे। एक घरेलू दास, जो परिवार के साथ एक ही घर में रहते थे, उनके संबंधित सभी कार्य किया करते थे। दूसरा औद्योगिक दास हुआ करते थे, कारखानों, लंबी नावों, विशाल भुजागीरों पर कार्य करते थे। तीसरा सार्वजनिक दास होते थे, जो स्वामी राज्य होता था, वे अनेक प्रकार के कार्य करते थे, सड़कों, सार्वजनिक इमारतों का निर्माण करना, मंदिरों, स्नानाघरों की सफाई करना उनके साथ हुआ करते थे, ठीक है ना। ओके, चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोमन कला और वास्तुकला, रोमन की कला और वास्तुकला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व भर के कलात्मक स्वरूपों को प्रभावित किया था रोमन कला और वास्तुकला। तो इससे एक क्वेश्चन ले लीजिएगा, पांच करके देख लीजिएगा इसे, ठीक है ना, तैयार कर लीजिएगा। रोमन कला और वास्तुकला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये विशेषता के रूप में पूछेगा, ये यहाँ पे विशेषताएं आपको मिलेंगी, ये यहाँ पे आपको विशेषताएं मिलेंगी, ठीक है ना। तो रोमन कला और वास्तुकला की, रोमन कला की जो है विशेषता क्या है, ये देखिए, स्तंभली युक्त पथ, ये दूसरी तीसरी विशेषता ये हो गई। तो इस तरह से विशेषताएं निकाली जाती, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, रोमन कला, तो वास्तुकला ऊपर थी, अभी यहाँ पे कला आ गया, तो देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख रही हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, संरचना शक्ति, अर्थव्यवस्था, रोमन कला और ये विकास, ये चीजें। रोमन जगत में धर्म और ईसाई मत का उदय, तो ईसाई का उदय कैसे हुआ, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो ईसाई का मतलब, ईसाई धर्म का उदय कैसे हुआ, राइट, इसको देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्योंकि रोमन के पतन के बाद ही यहाँ पर ये देखिए ईसाई धर्म का उदय यहाँ पे हुआ था। तो ईसाई धर्म का उदय कैसे हुआ, इसे जरूर देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है ईसाई धर्म के उदय से, ठीक है ना। ओके, चलिए, ये देखिए, ईसाई धर्म और रोमन साम्राज्य का अंतिम चरण यानी रोमन का पतन। तो रोमन साम्राज्य का पतन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 100% ये क्वेश्चन पूछ सकता है रोमन साम्राज्य का पतन, तो इसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था, ठीक है, यहाँ पे पढ़िएगा इसको, देखिएगा। चलो, तो रोमन साम्राज्य का पतन, इसमें से मैंने एक क्वेश्चन ले लिया,
यहाँ पे भी मिल जाएगा रोमन साम्राज्य का पतन आपको, ये देखिए शयन पतन, तो रोमन साम्राज्य का पतन, रोमन से तीन चार क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो जैसे उत्तर रोमन साम्राज्य आ गया, उत्तर रोमन साम्राज्य क्या, अरेलियन, अरेलियन जो होते हैं ठीक है ना, तीस शताब्दी के संकट का अंत अरेलियन के राजकाल के साथ हो गया, जिसे शांति और व्यवस्था की पुनर्स्थापना के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर रोमन साम्राज्य भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्तर रोमन साम्राज्य की स्थापना या उदय कैसे हुआ ये देख लीजिएगा, और साथ में यहाँ पे राजनीतिक अराजकता तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है सैन्य शासन उत्तर रोमन काल का आपसे पूछ सकता है ठीक है ओके। और क्वेश्चन उसमें क्या क्रिएट होगा मैं बता देती हूँ आपको, सैन्य पतन ठीक है ये देख लीजिएगा। ओके तो उत्तर और आर्थिक संकट भी बहुत आया था, तो आर्थिक संकट को छोड़ दीजिए ठीक है ओके। क्योंकि रोमन गणना से जो मैंने क्वेश्चन बताया है ना, बस उतना आप तैयार कर लो, ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं आएगा ठीक है, जितना भी मैंने बताया है। चलिए इसमें से हमने ज्यादा कुछ शायद लिया भी नहीं है, और ये यहाँ पर क्या हो गया है, हाँ ये देखिए पतन, इतिहास लेखन संकट पतन और रोमन साम्राज्य का रूपांतरण। देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा मैं वो आपको बता देती हूँ ठीक है ना, रोमन साम्राज्य के पतन से संबंधित इतिहास लेखन विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा करना है, यानी इतिहास लेखन और उसके विभिन्न दृष्टिकोण क्या है वो आपको बताना है। तो यही इतिहास लेखन संकट पतन ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ले लीजिएगा आप ठीक है ना। पतन का बहुत बड़ा विषय का मुद्दा है और बौद्धिक विद्वता के संदर्भ में सर्वाधिक प्रभावशाली है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा इतिहासकारों के हिसाब से, जिसे हम बोल देते हैं आलोचनात्मक व्याख्या, आलोचना करिए, आलोचना के साथ में बताइए है ना, ये पतन के कारण यहाँ पे दिए हैं, साथ में इतिहासकारों के पक्ष विपक्ष भी दिए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है रोमन इतिहास का पतन ठीक है ओके। चलो आ जाओ अब आगे देख लेते हैं, तो ये यूनिट फिनिश्ड हो गई है, अब हम यहाँ पर सेकंड आपका ब्लॉक ले लेते हैं, और हमारा जो सेकंड ब्लॉक है वो क्या है, वो है यहाँ पर सामंतवाद का स्वरूप एवं संरचना। अब सामंतवाद को पढ़ लेते हैं, तो सामंतवाद से क्या क्वेश्चन होता है, देखिए सामंतवाद का यानी अर्थव्यवस्था पर पूरा उनका एक तरह से अधिकार हो जाना है ना, उत्पादन पर अधिकार हो जाना, वो सामंतवाद व्यवस्था कहलाता है। तो ये सामंतवाद व्यवस्था है जो मध्य काल में आया था, तो सामंतवाद क्या है ये आप देख लो यहाँ पर ठीक है, हम सिर्फ क्वेश्चन बता दे रहे हैं, सामंतवाद क्या है, कब से स्टार्ट हुआ ये आप देख लीजिए, सामंतवाद के मुख्य घटक कौन कौन से, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लो, सामंतवाद के मुख्य घटक क्या है, ये बशाल, होमेज, लार्ड, ये लार्ड और बशाल क्या है ये देखिए, ये है सामंतवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुख्य घटक, तो अधिपति यानी लार्ड और मातहत यानी बशाल कहे जाते हैं, तो ये सामंतवाद के मुख्य घटक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज पढ़ लीजिएगा ये क्या है दोनों ठीक है ना। चलिए तीता तो हो गया यहाँ पे, चलो अब आगे देख लेते हैं, सामंतवाद के मुख्य घटक हमने देख लिए, ये लार्ड और बसाल में क्या संबंध है, मैं वही कह रही हूँ ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। चलिए सामंतवाद के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, द्विचक्रीय कृषि पर थी यहाँ पर, और जहां पर सामंतवाद वही होता है किसान का अपना स्वामित्व तो होता था जिस पर, और उसी के श्रम द्वारा प्रभुत्व किया जाता था, लार्ड और ये जो ऊपर व्यवस्था देख के आए हैं ना ये इसी के अंतर्गत आएगा, तो सामंतवाद के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिचक्की द्विचक्री खेती हो सकता है इस बार, त्रिचक्री दुचक्री पहुंच दे है ना, तो थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर, चलो ये नहीं देखेंगे नहीं, ये देखिए अधिपति लार्ड और मातहत बसाल, लार्ड और बसाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर देखे तो इसको जरूर देख लीजिएगा, भूम का मालिक राजा था किंतु उसे अधिपतियों द्वारा एक श्रेणी के रूप में बांट दिया गया था ठीक है ना, तो ये लार्ड और बसाल देख लीजिएगा, अधिपति थे तो जो अधिपति होते थे वो लार्ड कहलाते थे, जो मातहत होते थे निम्नस्थ अधिपति अपने उच्च अधिपति से मातहत यानी बसाल का संबंध रखता था, तो वो उच्च जो अधिपति होता था बसाल होता था, निम्न वाला जो होता था लार्ड होता था ठीक है, तो इसे देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लार्ड और बसाल। चलिए सामाजिक व्यवस्था सामंती व्यवस्था की क्या थी, सामंती समाज की, सामंतवाद पढ़ रहे हैं, सामंतवाद की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, चर्च था सामंती समाज था, कैथोलिक चर्च शक्तिशाली संस्था बना हुआ था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुलीन वर्ग यहाँ पर था ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कृषक वर्ग, अब इनसे एक भी अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, सामंती व्यवस्था में कृषक की वो कीजिए विस्तार से बताइए है ना, शहर व्यापार तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, चलिए नहीं अब ये नहीं देखेंगे,
हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो आ गई है यहाँ पर, सामंतवाद के चरण और उनका पतन। तो सामंतवाद के चरण उनके पतन में दो प्रमुख चरण यहाँ पर थे सामंतवाद के, ठीक है। प्रथम चरण 19वीं से 11वीं शताब्दी तक था। कृषि उत्पादन इसके अंतर्गत देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कृषि उत्पादन का संगठन, राइट, प्रथम चरण के अंतर्गत देखिएगा आप। और निर्वाह अर्थव्यवस्था तो मैं नहीं बोलूंगी देखने के लिए, देखिए पहले चरण की प्रमुख विशेषता है, ऐसे क्वेश्चन होगा। सावंतवाद के दो चरण थे, प्रथम एंड द्वितीय, और ये द्वितीय चरण है 11वीं से 14वीं शताब्दी तक का। तो इसकी क्या व्यवस्था, ये देखिए जनसंख्या में वृद्धि, ये द्वितीय चरण मुझे इंपॉर्टेंट लगता है 11वीं से 14वीं शताब्दी में, ठीक है ना। तो एक तरह से विशेषता है, जनसंख्या में वृद्धि पहली विशेषता हो गई, कृषि का विस्तार ये दूसरी विशेषता हो गई, ठीक है ना। कृषि उत्पादन में संगठन में परिवर्तन तीसरी व्यवस्था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामंतवाद में कृषि उत्पादन के संगठन में क्या क्या परिवर्तन हुए, लीजिए ये है, ठीक है ना, या सामंतवादी व्यवस्था के द्वितीय चरण के कृषि उत्पादन को समझाइए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा पॉज कर रोक देती हूँ, है ना, पॉज करके इसे देखिएगा। अर्थव्यवस्था का विकास तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसी के अंतर्गत है तो देख लीजिएगा इसे, ओके, राइट। सामंती युग का वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी में सामाजिक स्तरीकरण करना भी हो गया था, सामंती युग में सामाजिक स्तरीकरण भी हो गया था, समाज को स्तरों में बांट दिया गया था, ठीक है ना। तो सामाजिक स्तरीकरण हो गया, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बन जाते हैं, ठीक है। चलिए पतन का तो हमने देखेंगे, मुझे नहीं लगता किसका पतन इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं है। तो पतन भी दो दो चार लाइन में तैयार कर लीजिएगा, ताकि यदि क्वेश्चन आए तो आपको ये ना रहे कि अरे ये कहाँ था, है ना। चलो ये सामंतवाद का इतने हो गए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है, ओके। चलिए एक इसमें, ओके ठीक है, तो ये भी जो ब्लॉक है फिनिश्ड हो गया। अब हम ले लेते हैं ब्लॉक 3, और ब्लॉक 3 में देख लेते हैं, ब्लॉक 3 है हमारी धर्म अर्थव्यवस्था वैकल्पिक राज, ठीक है। तो इसमें मध्यकालीन यूरोप में धर्म और संस्कृत में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, मध्यकालीन यूरोप में धर्म और संस्कृत है, तो ईसाई धर्म और यूरोप का ईसाईकरण देख लीजिए, ईसाई धर्म और यूरोप का जो ईसाईकरण है, ठीक है ना, ईसाईकरण समाज और संस्कृत के परिवर्तन की क्रमिक प्रक्रिया थी। तो ईसाईकरण से धर्म समाज और संस्कृत में क्या परिवर्तन हुए, ये क्वेश्चन बन सकता है ना, तो इसको आप इसमें से लिख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। या ईसाईकरण से ईसाई धर्म से सामाजिक परिवर्तन क्या हुए, ओके। चलिए अभी ये तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने इससे ले लिया, नहीं अब दूसरा यूनिट है यूरोप में शिल्प उत्पादन का विकास। तो यूरोप में शिल्प उत्पादन के विकास में देखिए यहाँ पर जनरली उस समय, क्योंकि यूरोप में प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा था, श्रम और कृषि योग्य भूमि बहुत ज्यादा थी, लोग इसी पर निर्भर रहते थे, और सभी हिस्सों में भेड़ों के पालन के लिए भूमि का व्यापक उपयोग किया जाता था, ऊन बहुत ज्यादा मिलता था, कपड़ा उद्योग, इसलिए यहाँ पे कपड़ा उद्योग चलाया गया था, ठीक है। तो शिल्प उत्पादन की प्रकृति तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन वस्त्र उद्योग आप देख सकते हो, ये वस्त्र उद्योग आप बड़े आराम से देख सकते हो यूरोप में वस्त्र उद्योग, ठीक है ना, राइट। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है आपका वस्त्र उद्योग का यूरोप में, देख लीजिएगा। और इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार होता है ना, वो यहाँ पे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, ये जो ये चीजें दी हुई है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, शिल्प उत्पादन की प्रकृति पढ़ रहे हैं कि शिल्प उत्पादन किस तरह का था, या फिर आप कह सकते हो कुछ समय कौन कौन से परिवर्तन हुए मध्यकालीन समय में, ठीक है ना, यूरोप में। तो शिल्प उत्पादन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी क्वेश्चन बीच से उठा के पूछ सकता है आपसे, राइट। चलिए मदिरा उत्पादन, जैसे मैंने कहा था, पहले भी कहा था कि मदिरा उत्पादन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी शराब का उत्पादन, क्योंकि बिलासता भरा जीवन यहाँ के लोगों का होता था, और अंगूर भी बहुत ज्यादा होता था, अंगूर की खेती की जाती थी, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पर मदिरा उत्पादन, धार्मिक समारोह जो भी वो हुआ करते थे वहां पर इसकी ज्यादा आवश्यकता पड़ती थी, तो देख छोटे जो किसान होते थे उनकी स्थिति में सुधार भी हुआ। तो मदिरा उत्पादन से कौन से परिवर्तन हुए, सिर्फ एक मदिरा उत्पादन दे देगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है ना। ये देखिए बनाने के चरण क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, है ना, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया और यूरोप में व्यापार और वाणिज्य का विकास। पहला क्वेश्चन है इस्लाम का उदय, इस्लाम का उदय कैसे हुआ,
ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? ओके, यहीं से आपको मिलेगा सब, इस्लाम का उदय कैसे हुआ, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट है। मंगोल, तुर्की, सब इस्लामी तो थे जो यहाँ भारत में भी आए थे, ठीक है ना? मध्ययुगीन यूरोप में व्यापार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों हैं, इस्लाम का उदय और साथ साथ में यहाँ पे मध्ययुगीन यूरोप में व्यापार किस तरह का था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको भी, दोनों क्वेश्चन को आप देखिएगा, ठीक है ना? ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब ये क्वेश्चन को पॉज करके थोड़ा देखिएगा और लाइनें तैयार कर लीजिएगा, कौन कौन से व्यापार होते थे, किस किसके साथ में होते थे, कहाँ कहाँ से जाते थे, कौन कौन से बंदरगाह होते थे, यही होता है, ठीक है? ओके, अब इसमें देखिए अर्मिनाई, अब ये अर्मिनियाई जो है ये क्या है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको व्यापारिक समुदाय जो है, तो व्यापारिक समुदाय तो मैं नहीं कहूंगी कि पढ़िएगा, पूरा याद कर लीजिएगा, लेकिन इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ ना, ठीक है ना, उसको देख लीजिए। जैसे आर्मेनियाई देख लीजिए, ये कौन थे व्यापारिक समुदाय में, ठीक है ना? तो आर्मेनियाई को देख लीजिए, इनका व्यापार नेटवर्क कहाँ कहाँ था, 10 नंबर के क्वेश्चन में या 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है? ओके, राइट, आर्मेनियाई हो गए, इनकी सफलता यहाँ पे देख, क्या थे, कहाँ कहाँ, कौन से व्यापार ये करते थे, बस इतना आप याद करिए, ठीक है ना? ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। करीमी व्यापारी, आर्मियाई और करीमी व्यापारी में भी अंतर, दोनों के साथ में देखे पूछ सकता है, आर्मियाई और करीमी व्यापारी क्या थे, तो इसे देखिएगा, दोनों को देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है? ओके, चलिए। और यदि व्यापारी संगठन पूछता है मध्य उसका, तो आप मध्यकालीन भारत का तो यही लिखना है, व्यापारी संगठन कौन कौन से थे, इन दोनों को लिख दीजिए, ठीक है ना? ओके, चलिए, ये से क्वेश्चन है, आर्मियाई व्यापारिक व्यवसायिक व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए, तो वही जैसे करीमी व्यापारी पर, तो ऐसे तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, चलिए, हो गया। चलिए, ये तो हो गया, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं अफ्रीका, अफ्रीका से क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है ना? तो अफ्रीका में ज्यादा वैसे तो कुछ भी नहीं है, अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है ना। ये सभी जो है चलिए, मध्यकालीन इथोपिया थोड़ा देख लीजिएगा, इथियोपिया मध्यकालीन, ठीक है? क्योंकि इथोपिया जो था अफ्रीका का एक आधुनिक देश है जो अफ्रीका के पूर्वोत्तर कोने पर स्थित है, और मध्ययुगीन इतिहास मोरक्को के मध्यकालीन इतिहास की तरह इस्लाम के उदय से संबंधित है, ठीक है? ओके, लेकिन मध्ययुगीन या मोरक्को के मध्ययुगीन इतिहास के विपरीत या इथोपिया के इस्लामीकरण या अरबीकरण का इतिहास नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ प्रतिरोध का इतिहास है, बदले का इतिहास है, ठीक है ना? तो मध्यकालीन इथोपिया को थोड़ा सा देख लीजिएगा एक नजर में, यदि आप चाहो तो, राइट? ओके, नहीं तो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इथोपियाई कॉप्टिक ईसाई धर्म, इथोपियाई कॉप्टिक ईसाई धर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इतना भी तैयार कर लेंगे जो हम बता रहे हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स ला लोगे, आप पास तो हो ही जाओगे। तो इथोपियाई कॉप्टिक ईसाई धर्म, यहीं से चाहो तो पास करो वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लो और इससे पढ़ लो आप, ठीक है? ओके, इसे थोड़ा सा पॉज करके, वो थोड़ा सा रोक के रखती हूँ ताकि आप होल्ड करके, ताकि आप इसे पॉज करके पढ़ सकें। इथियोपियाई भूमि और अर्थव्यवस्था भी पूछ सकता है, भू अधिकार क्या थे इनके, है ना? तो देखिए क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ सकता है ना, लेकिन इथियोपियाई में चारावाही समुदाय ज्यादा थे, तो लेकिन वो ये कि पता नहीं रहता है ना कि क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछेगा, ये क्वेश्चन इथियोपियाई कॉप्टिक चर्च पर, वही है कॉप्टिक चर्च जो ऊपर पढ़ के आए, अभी बताएं आपके लिए कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए, अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, फिनिश भी हो गया है, अब आ गया है लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, इजिप्ट देख लीजिएगा, इजिप्ट, इजिप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इससे एक लंबा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना? तो इसे प्लीज जरूर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ओके, चलिए, तो इसे जरूर देख लीजिए। ओके, इजिप्ट क्या है? ओके, चलिए, वे यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं। ओके,
एक इजिप्ट में यहीं पे, इजिप्ट में आप, सॉरी सॉरी सॉरी, संहिता संग्रह देख लीजिएगा, एज ए टिप्पणी में पहुंच सकता है ये, ठीक है ना। चित्रात्मक ग्रंथ भी कहा जाता है, कला से संबंधित, जिसमें कोई चीज, कहानी, उपन्यास कुछ भी है किसी के बारे में, उसमें चित्रों के साथ में बताया गया है, तो थोड़ा सा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट संहिता ग्रंथ हो, संग्रह हो सकता है ये, देखिए ठीक है ना, ये है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो कोडेक्स बेटिकन्स बी बोलते हैं, ठीक है ना, बेटिकनस भी बोलते हैं, तो थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। चलिए, धार्मिक विश्वास क्या है, थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन, यदि आए तो ये न रहे कि पता नहीं, है ना। चलिए, इनका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए, इनका क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख रही हूं मैं इनका को, ठीक है ना, राइट। क्वेश्चन इनका सभ्यता पूछ सकता है, ठीक है ना, एक सभ्यता है ये इनका, जो दक्षिण अमेरिका के मध्य इंडीज में एक साम्राज्य विकसित हुआ, जिसे इनका साम्राज्य कहा जाता है, या चार क्षेत्रों के प्रदेश के नाम से इसे कहा जाता है। तो भारतीयों का साम्राज्य था, और यहाँ पर वर्णित भारतीय नाम यहाँ पर कोलंबस द्वारा बनाई गई दुनिया के निवासियों को दिया गया था। तो ये देख लीजिएगा इनका जो है सभ्यता क्या है, बेरी बेरी, ये राज्य और साम्राज्य जब पढ़ेंगे तो इनका सभ्यता को जानेंगे, तो इनका सभ्यता आपके लिए बेरी बेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब ये फर्स्ट टाइम ऑनर्स कोर्स आपकी ले रही हूँ ना, और वो भी पढ़ा रही हूँ आपको एग्जाम के एक दिन पहले, तो यहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता है ना। अब जब फ्री टाइम में मैं बनाऊं और इनके वीडियो डालूं और लेक्चर वीडियो, फिर आप एग्जाम के टाइम में पढ़ें तो वो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इनका सभ्यता देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनका सभ्यता की, समाज और अर्थव्यवस्था क्या है, क्योंकि नातेदारी आधारित समाज था इनका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनका का समाज और अर्थव्यवस्था। हो सकता है आपसे यही यही पूछेगा, सभ्यता समाज और अर्थव्यवस्था क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, तो इनका से हो गया ना। चलिए, ये भी जो है यहाँ पर इनका वास्तुकला ले लीजिए, सभ्यता और वास्तुकला दो ले लीजिए इनका से क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो है हो गया है फिनिश्ड, अब ले लेते हैं लास्ट आपका फोर ब्लॉक ले लेते हैं, जो है मध्य इस्लामिक जगत के समाज, ठीक है ना। तो मध्य इस्लामिक जगत के समाज में पहला है आपका इस्लाम पूर्व का अरब संसार, तो इस्लाम पूर्व का अरब संसार से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। इस्लाम पूर्व का, तो अरब में धार्मिक विविधताएं, अरब प्रायद्वीप में धार्मिक विविधताएं, तो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता, छोड़ दीजिए इसे, धार्मिक विविधताएं छोड़ दीजिए, कबीलाई धर्म रीति रिवाज हो सकता है, पर मैंने इंपॉर्टेंट में नहीं लिया है, हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। इस्लाम पूर्व अरब का राजनीतिक ढांचा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं कह रही हूँ वेरी वेरी, उसको 100% देखिएगा, इस्लाम पूर्व अरब का राजनीतिक ढांचा क्या है, ये आपको देखना है, ठीक है, ओके। चलिए, इस्लाम पूर्व अरब का सामाजिक ढांचा, एक साथ क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस्लाम पूर्व अरब का राजनीतिक और सामाजिक ढांचा क्या है, समझाइए। तो दोनों दोनों को देख लीजिएगा वेरी वेरी, या फिर इस्लाम पूर्व अरब के सामाजिक ढांचे की विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं तो एक तरह से विशेषताएं के रूप में ही देखी जाती है, ठीक है ना, किस तरह से उनका था। तो जो इस्लाम पूर्व अरब एक घुमंतू पशुपालक प्रधान समाज था, ठीक है ना, और इन कुल गोत्र आधारित कबीलाई समूहों की आंतरिक संरचना कैसी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए, असमानता और दास्ता, ऊंट वाले अभिजात घुमंतू कबीले, अंतर कबीलाई संघर्ष, सभी इसके अंतर्गत होता था, इसलिए मैंने कहा कि कबीला के बारे में भी पूछ सकता है, तो आंसर वही होगा। तो ये क्योंकि अब आर्थिक स्थिति में ऊंटों पर आधारित खानाबदोशी होती थी, खानाबदोश यानी घूम घूम कर जहां भी खाने के लिए मिलता था ये लोग रहते थे जाते थे, तो ऊंट को यूज किया करते थे, है ना। अरब क्षेत्र में कृषि जो होता था वो अनाज पैदा किए जाते थे। इस्लाम पूर्व काल का साहित्य, दूसरा क्वेश्चन, इस्लाम पूर्व अरब का सामाजिक और राजनीतिक संरचना, ठीक है, और इस्लाम पूर्व काल का साहित्य, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है ना, ओके। चलिए चलिए, भी फिनिश्ड हो गया। नेक्स्ट है इस्लाम का उदय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस्लाम का आगमन, इस्लाम का उदय कैसे हुआ, इसको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहीं पे बनता है, इस्लाम का उदय, ठीक है ना, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, इस्लाम के उदय पर चर्चा कीजिए, इस्लाम के उदय को बताइए, है ना, या इस्लाम के उदय के विभिन्न जो दृष्टिकोण दिए गए हैं उसको आप समझाइए, बस बस यही क्वेश्चन पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछेगा। तो प्लीज देख लीजिएगा इस्लाम के उदय को, ये है दृष्टिकोण, इस्लाम का उदय ऊपर आप देख लीजिए, और आधुनिक इतिहास लेखन संबंधित दृष्टिकोण क्या है, प्रारंभिक इतिहास लिखने के मूल
रूप से चार आधुनिक दृष्टिकोण यहाँ पर देखे जाते हैं। दृष्टिकोण पूछेगा इतिहास के, इस्लाम के उदय संबंधित दृष्टिकोण, तो भी लिखना पड़ेगा। वर्णनात्मक दृष्टिकोण, स्रोत आलोचनात्मक दृष्टिकोण, परंपरा आलोचनात्मक दृष्टिकोण और साथ में संशयवादी दृष्टिकोण। तो एक बार ऐसे कर देती हूँ, चार चार लाइन ले लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है और लिख दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। इस्लाम के उदय संबंधित इतिहास लेखन पर कुछ पुनर्विचार यानी आलोचना, ये दूसरा क्वेश्चन है। एक तो हमने दृष्टिकोण देखा इस्लाम से संबंधित, उदय से संबंधित, अब इस्लाम के उदय संबंधित इतिहास लेखन पर पुनर्विचार दिया गया है, तो ये भी है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए, ये हो गया यहाँ पर। ओके तो इस्लाम का ये क्वेश्चन हो गया, अब इसमें देखते हैं। खिलाफत, उम्मेद और अब्बासिद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें से क्या बन सकता है। अब इसमें से विशाल उम्मेद खिलाफत, यानी कि उम्मेद खिलाफत क्या है ये देख लीजिए, बस आपको यही देखना है, ठीक है ना। यानी सूफियानिद काल जिसको बोलते हैं, सूफियानिद काल, ये विशाल उम्मेद खिलाफत एक है जिसे सूफियानिद काल बोलते हैं, राइट। और एक इसी से देखिए क्वेश्चन आपका और आ जाएगा यहाँ पर, जो क्वेश्चन आपका बन जाता है उम्मेद खिलाफत मारवानिद काल। अब क्वेश्चन आपसे यहाँ पे दोनों से पूछ सकता है, सूफियानिद काल और मारयानिद काल, है ना, मारवानिद काल, इन दोनों को समझाइए, 10 नंबर के क्वेश्चन में बड़े आराम से दे सकता है। यह क्वेश्चन पूछ लेगा विशाल उम्मत खिलाफत जो कि सूफियानत काल है, और ये सिर्फ उम्मत खिलाफत है मारवानिद काल, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो दोनों को देख लीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए, ये इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। चलिए, बात की उम्मत नहीं देखेंगे। उम्मीदों का सौंदर्य शास्त्र और भौतिक संस्कृति, यानी कि जो अभी मुंह पर देख के आए उनका भौतिक शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और भौतिक संस्कृत क्या है, तो यहाँ पर उसके अंतर्गत दरबार संस्कृत आ जाएगी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दरबार संस्कृत। तो दरबार संस्कृत देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। यह क्वेश्चन आता है उम्मीदों का सौंदर्य शास्त्र और भौतिक संस्कृत से, तो आपको दरबार संस्कृत उसमें लिखनी है। दरबार संस्कृत इसलिए बता रही हूँ कि अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर महल और मस्जिद आ जाता है, भौतिक संस्कृति यानी जैसे उनका रहन सहन, उनका परिवेश, महल वगैरह कैसे क्या बना था, है ना, उससे संबंधित चीजें हैं। और फिर यहाँ पर ये देखिए, ये बना हुआ था, ये देखिए रहने की, ये तौर तरीके, ये देखिए फतेहपुर सीकरी से दिखता है, अल अक्सा मस्जिद यरूशलम का है ना, राइट। ओके तो इसे देख लीजिएगा। इनकी अर्थव्यवस्था मुझे इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं लगती है, तो इसको आप लेफ्ट चाहो तो कर सकते हो, है ना, अर्थव्यवस्था को आप चाहो तो लेफ्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है। प्रांत चाहो तो देख लो, पतन चाहो, प्रांत तो नहीं, पतन चाहो तो देख लो। अब्बासी खिलाफत क्या है, ये दूसरा है, ये देखिए, ये उस वक्त के वहां के राजा थे जिन्होंने एक तरह से विद्रोह किया था, ठीक है ना। तो ये अब्बासी खिलाफत आ गया, यानी अब्बास और मंसूर के नाम से जाना जाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। इन्होंने पैगंबर का उत्तराधिकारी होने का अधिकार बताया था पैगंबर के बाद, ठीक है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेम पहले बार की तरह है, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा देखिएगा। चलिए, अब्बासी क्रांति के रूप में मशहूर हुआ, तो अब्बासी क्रांति आएगा तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। ओके चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। विशेषताएं ये दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, क्या रीजन थे। अब्बासी खिलाफत देखिए, हारून और अल मामून, वही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने भाई अल हादी की हत्या के बाद यहाँ पर हारून खलीफा बना, और अब्बासी साम्राज्य के खलीफा के पद पर आसीन होने के पहले पर अनेक प्रांतों, सीरिया, अफ्रीकाई, आर्मेनिया, आर्मेनिया से भी क्वेश्चन मैंने बताया था ना, हाँ, ये देखिए इस तरह के सैन्य विजेता कमांडर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुका था। तो अब्बासी खिलाफत हारून और अल ममून के रूप में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देख लेना, ठीक है ना। 10-10 लाइन सबकी तैयार कर लीजिए, दोनों की ज्यादा की जरूरत नहीं है, बस 10-10 लाइन तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। ओके चलिए,
बाद के बासी नहीं देखेंगे इनको, ये नहीं देखेंगे। चलिए ओके, अब्बासी काल में कर और दीवान, चलिए सारांश हो गया है। अब यहाँ पर है इस्लामिक समाज, विभिन्न संप्रदायों का उदय और विस्तार, ठीक है ना, विभिन्न संप्रदायों का उदय और विस्तार। चलिए इस्लामिक समाज, इस्लाम के उद्भव के समय अरब प्रायद्वीप कैसे था, इस्लाम का उद्भव कैसे हुआ पहले भी है बता चुके हैं, ईसाई का उद्भव कैसे हुआ ये भी आपको पढ़ना है। तो ये वेरी वेरी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस्लाम का उदय और साथ में ही उसका ईसाई का उदय, ठीक है ना, राइट। अरबों में इस्लाम और मोहम्मद यानी प्रारंभिक इस्लामी समाज कैसा था, प्रारंभिक इस्लामी समाज, ठीक है, पहला इसका क्वेश्चन। इस्लामी खिलाफत क्या था, एज ए टिप्पणी में 10 नंबर के क्वेश्चन में इस्लामी खिलाफत, और जिसकी वजह से इस्लामी जगत में फूट पड़ी, तो इस्लामी खिलाफत क्या है इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। खलीफा अली, प्रथम गृह युद्ध, फितना उसी के अंतर्गत आएगा, यही इस्लामी खिलाफत है। शिया और सुन्नी ये भी देख लीजिएगा, सुन्नी कौन है और शिया, ठीक है ना, क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है, शिया इस्लामिक मतों का उदय है या सुन्नी इस्लामिक मतों का उदय है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शिया और सुन्नी इस्लाम के अंतर्गत, 100% इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ओके राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए उम्मेद में खारजी और शिया आ गए, देखिए खारजी और शिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी देखिएगा, खारजी और शिया को देखिएगा, एज ए टिप्पणी के रूप में 10 10 नंबर के उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, टिप्पणी वाले में तो 5 5 ही आते हैं, मेन तो 10 नंबर वाले में आते हैं। गणतंत्र वाले से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा लंबा, राजनीति, सामाजिक संरचना, सभी चीजें ना पतन, ये आपके 20 नंबर में पूछे जाएंगे। ये देख इस्लामी शिया संप्रदायों का उदय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जिस तरह से शिया इस्लामी संप्रदायों का उदय हुआ उस तरह से उनको सुन्नी को देख लीजिएगा, शिया संप्रदाय संप्रदाय, यानी कि शिया इस्लामी संप्रदायों का उदय या शिया का उदय कैसे हुआ है ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको देख लीजिएगा। चलिए और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये अब्बासी खिला, जो अब्बासी खिलाफत है बहुत सारे हैं, इसीलिए मैंने आपको सिलेक्टेड बताए, दो तीन बताए, ठीक है ना, तो उसे आप देख लो, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। ओके, इस्लामी सूफी संप्रदाय, ये क्वेश्चन, क्योंकि सूफी मुसलमानों के एक विशेष समूह को कहते हैं जो अपनी गहरी रहस्यवादी आस्था के चलते या साधना के लिए ऊन की तकलीफ दे लावेद पहनते हैं, ठीक है ना, और सूफीवाद का केंद्रीय तत्व उनमें सूफी साधक परम सत्य ईश्वर है, सीधे संपर्क आने के प्रयास करते ईश्वर से जुड़ने का, ठीक है, ये इस्लामी सूफी संप्रदाय वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, देख लीजिएगा सूफी आंदोलन का उदय किस तरह से हुआ, ठीक है। ये देखिए सूफी आंदोलन का उदय, सूफी तरीका, ये सिलसिले आपने हिंदी पढ़ा होगा तो सूफी चिश्ती सिलसिले, चिश्ती है ना, और सिलसिले ये सभी उसमें हिंदी में भी है, सूफी तरीका का प्रसार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया, देख लीजिएगा फिनिश्ड हो गया है। नेक्स्ट जो है इसमें है क्या, बिल्कुल है, एशिया का व्यापारिक संसार और अरब, तो इससे क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है ये हम देख लेते हैं, ठीक है ना, ये लास्ट ही है, इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। एशिया का आंतरिक व्यापार और शहरी केंद्रों का उदय कैसे हुआ, तो आप 10 लाइन, मैं इसीलिए बोलती हूँ कम में 10 लाइन बस, ठीक है ना, शहरी केंद्रों का उदय वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए ये नहीं देखेंगे, भारत के साथ अरब का व्यापार देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में एक क्वेश्चन हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी बन जाए, भारत के साथ अरब का व्यापार है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएगा, तो इसे आप देख लेना, ओके। चलिए क्योंकि करीमी व्यापारी, वही मैं कह रही हूँ ना, ये देखिए भारत और करीमी और जमोरियन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं हो सकता है भारत के नजरिए में पहुंच जाए, तैयार कर लीजिएगा इसको, ठीक है ओके। चलिए यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, आई थिंक से फिनिश्ड हो गया है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलो क्वेरी देख लेते हैं क्या है भाई आपकी क्वेरी, चलिए BHIC 108 कब है, कल नहीं है ना, BPSC 183 सभी हो जाएगा, BSOC 133 हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा, BPSC 112, BSOC 133, BPAE 141,
देखिए अभी तो कल जिनके एग्जाम है मैं उनका ले रही हूँ, ठीक है ना। BSO 633 का एक क्लास करवा दीजिए सिर्फ। हाँ बिल्कुल करवाएंगे करवाएंगे, है ना मालिक जी, करवाएंगे, परेशान मत होइए। BA 784 हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है ना, करवा देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज के लिए इतना काफी है। अब देख लेते हैं, देखो हमने कल 23 है ना, तो अगर कल की डेट पे हम देखते हैं तो हमने BPA नहीं BECC 133 भी करवा दिया मॉर्निंग वाला, और यहाँ पर हमारा क्या है ये जो हिंदी BHIC 104 भी आपका देखिए हो गया है, BSDC 114 हुआ है, 104 हुआ है, एक हिंदी का भी मैंने लिया है ना। चलिए तो अब यहाँ पर देख लेते जितने भी पेपर है उनको पहले करवा देते ये इतने वाले में, ठीक है ना, राइट, कल जो है। चलिए फिर, टेक केयर, बाय, थोड़ी देर से मिलते हैं आधे